सुबह के 8:56 हुए हैं, आपके साथ मैं नंदिता खुडेशा हूं। देशद्रोह का आरोपी कन्हैया कुमार को हाईकोर्ट ने कड़ी शर्त और हिदायतों के साथ बेल दी थी। उम्मीद की गई थी कि कन्हैया को जमानत देशद्रोही की बीमारी का रियायती इलाज है, लेकिन जेल से जेएनयू पहुंचते ही कन्हैया पर कोर्ट की नसीहतें बेअसर दिखी। कोर्ट ने कन्हैया को सुधरने का मौका देते हुए बेल दी थी, लेकिन कन्हैया कहता है कि वो फिर से जेल जाने को तैयार है। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। चाहे वो अनिर्वाण हो, चाहे वो उमर हो, चाहे अनंत हो, आशुतोष हो, इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। तुम जितना दबाओगे, हम उतना खड़ा होंगे। अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं। बेल मिलते ही कन्हैया की नेतागिरी रिचार्ज। दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्हैया को अंतरिम जमानत दी थी सुधरने के लिए, लेकिन जेएनयू में पहुंचकर कन्हैया में सुधार की शुरुआत हुई इस डायलॉग से। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। कम से कम जेएनयू को बदनाम करने के लिए ही उन्होंने प्राइम टाइम पे जगह दिया। कमाल देखिए, कोर्ट ने कन्हैया को जमानत दी थी ये कहते हुए कि जेएनयू में देशद्रोही नारों पर छात्रों को आत्ममंथन की जरूरत है, लेकिन कन्हैया की इस बात से अंदाजा लगाएं कि उस पर कोर्ट की नसीहत का कितना असर है। आपके लिए चना लेकर आए हैं। एक कहावत है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। कन्हैया समर्थकों में खुशी ऐसी है जैसे उसे अदालत ने बाइज्जत बरी किया हो। जेएनयू में भी जश्न है, लेकिन सच कन्हैया की मां कहती है, रिहा कर दिया गया है तो बाइज्जत बरी तो नहीं किया गया, जमानत 6 महीने के लिए दिया गया है। जेएनयू पहुंचते ही कन्हैया की नेतागिरी रिचार्ज हो जाती है। वो केंद्र सरकार, आरएसएस, दिल्ली पुलिस पर गुबार निकालता है और 9 फरवरी को जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगे उसे यूनिवर्सिटी पर हमला बताता है। कि जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार का असर कन्हैया पर कितना हुआ ये भी देखिए। जो खुद देशद्रोह का आरोपी है, अब वो दूसरे आरोपियों की रिहाई के लिए नारे लगा रहा है। कह रहा है कि उमर खालिद और बाकी आरोपियों की आवाज संघर्ष की आवाज है। इस मुल्क के अंदर जो आवाज है संघर्ष की, उसको दबाना मोटी मोटी बात है। कि इस देश के लोगों के सामने जो उसके जीवन के बुनियादी सवाल है, उससे जनता के ध्यान को भटकाना। और मोटा मोटा सवाल है कि इस जेएनयू कैंपस के अंदर जो लड़ने वाले लोग हो, चाहे वो अनिर्वाण हो, चाहे वो उमर हो, चाहे अनंत हो, आशुतोष हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे आप सब में से कोई हो, उसको देशद्रोही बता करके जेएनयू के आवाज को दबाना, जेएनयू को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। तुम जितना दबाओगे, हम उतना खड़ा होंगे। कन्हैया को इससे भी फर्क नहीं कि आतंकी अफजल गुरु पर कार्यक्रम आयोजित करने वाला उमर खालिद उसके भाषण का हीरो बना है। फर्क पड़ा तो इस बात पर कि जेएनयू में देशद्रोही हरकतों के खिलाफ रैलियां क्यों निकली। यहां तक कि जिन पूर्व सैनिकों ने जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत की, देशद्रोह पर उनके गुस्से को कन्हैया ने साजिश तक बता डाला। कितना प्लानिंग था, पूरा प्लान डे वन से प्लान था। इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं मेरे दोस्त, यहाँ के जो एबीपीओ का दोस्त नहीं है वो बाहर कहीं भी कि पोस्टर तक नहीं बदलता है। जो प्रोटेस्ट जिस हैंडबिल के साथ, जिस तख्ती के साथ,
हिंदू क्रांति सेना करता है वही प्रोटेस्ट उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है, वही प्रोटेस्ट वही कंटेंट उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। लेकिन कन्हैया को ये नहीं भूलना चाहिए कि अदालत ने उसे 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है और वो भी सख्त टिप्पणी के साथ, और बदनामी में नाम ढूंढने की कोशिश भारी भी पड़ सकती है। क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। पवन नारा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो कन्हैया की स्पीच आपने सुनी। अब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि जिस कन्हैया को बेल देते वक्त अदालत ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में देशद्रोही सोच संक्रामक बीमारी की तरह है और इसका इलाज महामारी बनने से पहले करना होगा, लेकिन कन्हैया और उसके साथी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी जमानत के जश्न में भूल गए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया को बेल देते वक्त क्या कहा था। देश की सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विश्वविद्यालय की आत्मा को नींद से जगाने के लिए विचारों के हथौड़े से चोट की। वसंत के मौसम में प्रकृति का रंग हरा हो जाता है, फूलों पर असंख्य रंग छा जाते हैं, पर पता नहीं क्यों इस वसंत में दिल्ली के दिल में बसे सम्मानित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शांति का रंग गायब है। इसका जवाब इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों और मैनेजमेंट को देना चाहिए। कन्हैया कुमार की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर सिर्फ किसी की हार या किसी की जीत भर नहीं है, ये ऑर्डर है आत्ममंथन करने का, ताकि देश विरोधी विचारों की संक्रामक बीमारी ऐसी महामारी न बन जाए जिसके इलाज के लिए दवा नहीं सर्जरी की जरूरत पड़े। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, केस की जांच अभी बहुत शुरुआती दौर में है, पर जिन छात्रों ने जेएनयू में ऐसा आयोजन किया उसमें शामिल हुए और देश विरोध की भावना वाले नारे लगाए, वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में अपना बचाव नहीं कर सकते। मेरे विचार में ये एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी रोकथाम और इलाज महामारी बनने से पहले करना होगा। शरीर के किसी हिस्से में होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए जब दवा काम नहीं करती तो उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, पर फिर भी इन्फेक्शन न रुके तो शरीर के उस हिस्से को काटने के अलावा कोई और इलाज नहीं बचता। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो। आजादी के नाम पर देश विरोधी नारे लगाने को मामूली बात कहकर टाला नहीं जा सकता। अदालत को इसकी गंभीरता का एहसास है, इसलिए अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है, विश्वविद्यालय के सुरक्षित माहौल में नारेबाजी की आजादी का आनंद उठाने वाले इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि ये तभी संभव है जब हमारे सैनिक जानलेवा हालात में देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जो लोग अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के पोस्टर सीने से लगाकर उनकी शहादत का सम्मान कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं है कि दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाई के मैदान में जहां ऑक्सीजन की इतनी कमी है, ये लोग इन मुश्किल हालात में 1 घंटे भी खड़े नहीं रह सकते। ऐसे नारे तिरंगे में लिपटकर घर लौटने वाले शहीदों के परिवार को निराश करने वाले हैं। कन्हैया कुमार के वकीलों ने संविधान की धारा 19 से यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर आरोपी को बेगुनाह साबित करने की दलील दी, तो अदालत ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 और जेएनयू के उद्देश्यों का हवाला देते हुए कहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते आरोपी से ये अपेक्षा है कि अगर विश्वविद्यालय में कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है तो वो इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। हमारा संविधान नियमों के दायरे में नागरिकों को अपने वैचारिक और राजनीतिक जुड़ाव के अधिकार की पर्याप्त आजादी देता है, पर इस जमानत याचिका पर विचार करते वक्त सभी पक्षों को ये ध्यान रखना चाहिए
कि ये स्वतंत्रता इसलिए है क्योंकि हमारे सुरक्षा बल सियाचिन से लेकर कच्छ तक दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। ये देश विरोधी नारों का मुकदमा है जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। अदालत ने कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत के फैसले में अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी बात की। आरोपी संविधान में दिए अपने अधिकारों की बात तो करता है, पर उसे संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए, जो कि मूल अधिकार के सिक्के का दूसरा पहलू है। आरोपी एक बौद्धिक वर्ग से संपर्क रखता है, वो राजनीतिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र है, पर विविधता से भरे देश में स्वतंत्रता अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में है। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को चिंतन करना चाहिए कि उनके नारों और प्रदर्शन से क्या संदेश जा रहा है। जेएनयू के शिक्षकों को भी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के मुताबिक छात्रों को राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने लायक दिशा दिखानी चाहिए। जेएनयू प्रशासन को ऐसे देश विरोधी विचारों की रोकथाम के लिए कदम भी उठाने चाहिए। जेएनयू के मामले में अदालत का ये रुख देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि वो मामले को किस गंभीरता तक समझ रही है, और शायद यही वजह थी कि कन्हैया कुमार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई, वो भी शर्तों के साथ। जेल में गुजारे गए वक्त के दौरान आरोपी ने अपने काम पर जरूर विचार किया होगा। उसे मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए मैं फिलहाल रूढ़िवादी उपचार अपना रही हूँ। चूंकि आरोपी के दावे के मुताबिक उसके परिवार का गुजारा केवल 3,000 रुपए में होता है, इसीलिए जमानत की रकम महज 10,000 रखी गई है ताकि वो बेल ले सके। पर इसके एवज में आरोपी को लिखित में देना होगा कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते अपनी क्षमता के मुताबिक कैंपस में देश विरोधी हरकतों को रोकेगा। बेहतर हो कि इसकी गारंटी कोई ऐसा नजदीकी या जेएनयू का शिक्षक ही ले, जो न केवल इन्हें अदालत में पेश करवाते रहें, बल्कि इनकी ऊर्जा को सही रास्ते पर लगाएं। साफ है कि अदालत ने कन्हैया कुमार को जेल से आजाद किया है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से आजाद नहीं किया। अदालत ने उसे संवैधानिक अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की भी याद दिलाई है। हाईकोर्ट का ये ऑर्डर जीत हार से ज्यादा आत्ममंथन करने की दिशा में बढ़ने को कहता है। अफजल प्रेमी गैंग के लिए आत्ममंथन करने का वक्त अब शुरू हो गया है। महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। जेएनयू में कल रात कन्हैया ने भाषण दिया और आज सुबह भगत सिंह ब्रिगेड के सदस्य जेएनयू में घुस गए। इस दौरान इन लोगों ने एडमिन ब्लॉक में तिरंगा झंडा फहराया। इन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। भगत सिंह ब्रिगेड के सदस्यों ने कहा कि किसी भी हाल में देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और वो पूरे देश के शिक्षा संस्थानों में तिरंगा फहराएंगे, जिसकी शुरुआत आज जेएनयू से हो गई है। जेएनयू में जो भी देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, इसको लेकर भगत सिंह ब्रिगेड के सदस्य अब सामने आए हैं। भगत सिंह ब्रिगेड के कुछ लोग यहां पर आए और उन्होंने जेएनयू के एडमिन ब्लॉक पर तिरंगा फहराया और साथ ही यहां पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। और वापस आकर इनका कहना है कि जो भी गतिविधियां इस तरह की हो रही हैं, देश विरोधी गतिविधियां जितनी भी हो रही हैं, उसे सहा नहीं जाएगा और आज से शुरुआत की गई है और अब हर सरकारी यूनिवर्सिटी, हर सरकारी स्कूल में जाके इसी तरह से तिरंगा फहराया जाएगा और देश हित में, देश के लिए मर मिटने की बात लोगों को समझाई जाएगी ताकि जितने भी युवा हैं वो इस बात को समझें और देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाएं। यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली।